नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अनिल टाइगर पर स्वागत है। तो हम काफ़ी दिनों के बाद एक नई वीडियो लाए हैं। तो ये वीडियो जो हमने बनाई है लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बनाई है। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो इसके लिए रोज़ हम 23 मई तक 10-12 क्वेश्चन रोज डालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। 400 पहला ऑप्शन, 552 दूसरा ऑप्शन, 545 तीसरा और 520 चौथा। तो इसमें जो सदस्य संख्या हो सकती है दोस्तों 552। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? 545। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। तो चौथा क्वेश्चन पे आएंगे, चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग का जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 324 में है। पांचवें क्वेश्चन पे आएंगे, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो देता है वो किसको देता है? उपाध्यक्ष को। छठवें क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में, राज्यसभा में, लोकसभा में? नहीं, तो जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो लोकसभा में लाया जाता है दोस्तों। सातवें क्वेश्चन पाएंगे कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो था वो जीवी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता ही रहता है एग्जाम में लगभग। तो अगली बात करते हैं दोस्तों फिर से, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है दोस्तों वो है सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा क्या है? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। नौवे क्वेश्चन की बात करें, आदर्श आचार संहिता का संबंध किससे? ग्लोबल वार्मिंग से, बी लोकसभा में राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव से, सी वायु प्रदूषण से, डी नन। तो आदर्श आचार संहिता का जो संबंध है दोस्तों वो लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभा के चुनाव से संबंध है दोस्तों। तो बी आंसर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिक है? तो ये दोस्तों यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तो लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा। तो ये दोस्तों लोकसभा के जो चुनाव कराए जाते हैं वो किसके द्वारा कराए जाते हैं? वो कराए जाते हैं चुनाव आयोग द्वारा। तो ये 11 क्वेश्चनों की एक वीडियो सीरीज थी दोस्तों, जो हमने आपके लिए नई वीडियो लाए हैं। इसी प्रकार हम आपके लिए 23 मई तक रोज लोकसभा चुनाव के बारे में महत्वपूर्ण खबरें लाते रहेंगे। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो बनाएं वो आपके पास सबसे पहले आए दोस्तों। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।